हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं और एक नया ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। सो गाइस, अब हम इसको मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 6 हाफ लिया, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे 6 हाफ लेके मेजरमेंट किया। वैसे आप भी 6 हाफ लेके कट कर लीजिएगा। सारे 6 पीट मैंने यहाँ पे कट किया। सारे 6 पीट लेके 18 वेयर कट कर लीजिएगा गाइस। उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये दो जो मैंने कट किया था उसको ऐसे बराबर करके, ऐसे करके आपको यहाँ पे बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आप रनिंग वेयर ले लीजिए। ये आप देख सकते हो, मैंने ये रनिंग वेयर ले लिया। उसके बाद आप यहाँ पे जो फोल्ड किया था यहाँ से आप मेजरमेंट ले लीजिएगा। ऐसे करके रनिंग वेयर को ऐसे मेजरमेंट करके यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इतना रख देना है, नहीं तो ऐसे वेयर वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे फोल्ड कर लीजिएगा ऐसे करके। चलिए गाइस, अब हम बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में मेरा रनिंग वेयर है। उसके बाद आप देख सकते हो, ये हमारा रनिंग वेयर है। उसके बाद ये जो हमने मेजरमेंट किया था इसको ऐसे रख देना है। रनिंग वेयर हमेशा इस तरफ होना है। उसके बाद आप इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद इस यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद ऐसे बना लीजिए। टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको ऐसे लेके आप देख लीजिएगा यहाँ पे बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बराबर नहीं हुआ, तो हम इसको ऐसे करके यहाँ पे बराबर कर लेंगे। ऐसे करके आप बराबर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बराबर हो गए। फिर नेक्स्ट वेयर लेके फिर हम बनाएंगे। यहाँ पे आप वैसे ही करके आपको पूरा रो बना के कंप्लीट कर लेना है। वैसे करके आपको पूरी नोट बना के कंप्लीट कर लेना है। सिंपल नोट बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 18 नॉट बना के कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमें अभी रनिंग वेयर कट करना है, तो आप ऐसे ले लीजिएगा बराबर करके, ऐसे मेजरमेंट करके अब यहाँ पे आप रनिंग वेयर कट कर लीजिएगा। फिर आपको अब रनिंग वेयर लेके अब ये वेयर को लेके अब हम यहाँ पे बराबर करके ऐसे लेके यहाँ पे फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे करके बना लीजिएगा।
वैसे करके आप सब रो बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जैसे बनाई वैसे बना के यहाँ पे कंप्लीट करके आपको फिर ये कंप्लीट करने के बाद फिर ये वेयर को लेके आपको फिर रनिंग वेयर को मेजरमेंट करके यहाँ पे कट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने बना के दिखाई वैसे बना के कंप्लीट कर लीजिएगा बेस। ये वेयर को आप गाद बांध के रख लीजिएगा जहाँ से हमने शुरू किया, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको ऐसे गाद बांध के रख लीजिएगा। उसके बाद ये साइड में हाफ बना लीजिए, उसके बाद ये साइड में भी बना लीजिए, ये बीच में रहेंगे तो दोनों तरफ आप दोनों साइड में आधी आधी करके बना लीजिएगा, हाफ हाफ करके इस तरफ हाफ इस तरफ हाफ करके आप बना लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बेस बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैंने 7 रो बना के कंप्लीट कर दिया, वैसे आप भी बना लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेस बनाने के बाद, इसके बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिजाइन बनाना। तो आप देख सकते हो ये कॉर्नर से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। के लिए आप रनिंग वेयर ले लीजिए पहले, उसके बाद ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर हम ये कॉर्नर से बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप ये वेयर को ऐसे ले लीजिएगा, यहाँ पे आप आराम से देख लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरी वाले वेयर लेके ऐसे यहाँ पे ये दूसरे वाले यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे करके आपको ऐसे पकड़ लेना है। उसके बाद ये आप देख सकते हो ये रनिंग वेयर है, इसको आप ये दोनों का बीच में ऐसे करके रख लीजिएगा। ये देख सकते हो ये रनिंग वेयर जो आधा है इसको इस तरफ करके रख लीजिएगा नीचे तरफ, और ये इसको रनिंग वेयर को ऊपर करके रख लीजिएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अब हमारा ये ऐसे बन गए। उसके बाद अब ये वेयर को लेके आपको ऐसे करके रख देना है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके रख लेना है। उसके बाद फिर ये देख सकते हो आप ये वेयर, इसको ये वेयर को लेके आपको ये लूप का अंदर डाल देना है, इसके अंदर ऐसे डाल के आपको निकाल लेना है। उसके बाद फिर ये वेयर को लेके इसको लेके यहाँ पे डाल के उसके बाद ये दूसरी वाला लूप पे डाल के ऐसे करके आपको निकाल देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फिर आपको ये लेके ऐसे करके फिर आपको ऐसे करके टाइट कर लेना है। फिर ये नेक्स्ट इसको भी लेके ऐसे करके आप टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो आधा था ये इस तरफ रह गए और हमारा रनिंग वेयर इधर है। तो आप ऐसे करके बना लीजिएगा, आप देख सकते हो हमारा डिजाइन बन के रेडी हो गई, अमला नोट बन के निकल गए अब हमारा डिजाइन। यहाँ पे आप देखिए, आप ये इसको थोड़ा ऐसे लूज करके रख दीजिएगा, क्योंकि बाद में हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे, इसलिए आपको ये थोड़ा ऐसे करके लूज करके रख देना है। उसके बाद फिर हमें रनिंग वेयर लेके ऐसे करके फिर ये दूसरी वाली रो लेके वेयर लेके फिर आपको ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे करके ऐसे एक्स बना लेना है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट ये वेयर को लेके आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे ऐसे डाल दीजिएगा। उसके बाद ये वेयर को लेके आपको यहाँ पे ऐसे रख देना है। उसके बाद फिर ये वेयर को लेके यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट ये वेयर को लेके ये लूप के अंदर डाल के फिर ये नेक्स्ट लूप के अंदर ऐसे निकाल देना है। उसके बाद
निकलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे करके टाइट कर लीजिएगा। ऐसे करके यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे करके टाइट कर लीजिए अच्छे से। उसका बाद इसमें भी थोड़ा गैप रहने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा ऐसे गैप रख दीजिएगा। वैसे करके आपको ऐसे रनिंग वेयर को लेके वैसे करके बनाते जाना है यहाँ पे। वैसे करके बनाते जाइएगा। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बना के पूरी रो कंप्लीट कर लीजिएगा गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरी रो बना के कंप्लीट कर लिया। ये लास्ट इसको ज्वाइन करना है, यहाँ से हमने शुरू किया था, अब ये पूरी रो बना के मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर अब इसको अब यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो उसके लिए आपको ये इसको ऐसे लूज करके ऐसे करके खोल लीजिएगा। यहाँ पे हम डाल के टाइट कर देंगे। तो आपको ऐसे करके ऐसे लूज कर लेना है। उसके बाद फिर जो हमारा रनिंग वेयर है इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, इसके अंदर डाल दीजिएगा, इसके अंदर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेयर को लेके आपको इसके अंदर डाल देना है, ऐसे करके डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे दूसरी वाली, यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी वाली लूप में डाल के उसके बाद फिर ये वेयर को लेके आप यहाँ पे डाल दीजिएगा ऐसे करके। फिर आप इसको ऐसे करके टाइट कर लीजिएगा, ऐसे करके टाइट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाल के यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये पिंक को इसके अंदर डाल के मैंने इसे रख दिया। उसके बाद ये पिंक को लेके यहाँ ऐसे करके फिर ये दो वेयर है, ये वेयर में ऐसे करके ले लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ये दूसरी यहाँ पे इसमें लेके ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद फिर ऐसे नेक्स्ट इसके अंदर डाल के निकाल दीजिए, यहाँ पे ऐसे डाल के फिर निकाल दीजिएगा यहाँ से ऐसे करके। नेक्स्ट फिर ये इसके लूप के अंदर डाल दीजिए ऐसे करके, फिर यहाँ से निकाल दीजिए। ऐसे करके
देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे इसके अंदर डालना है, यहाँ पे डाल के फिर यहाँ से इसके बीच से निकाल देना है। फिर इसको ऐसे करके फिर आपको लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फिर इसको इसके बीच में ऐसे डाल के आपको निकाल लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डिजाइन बन गए। फिर ये वेयर को लेके इसके बीच में आप देख सकते हो इसके बीच में डाल के निकालना है, यहाँ से ऐसे करके निकाल लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने इसको थोड़ा लूज रखने के लिए इसीलिए कहा था कि हम ऐसे डिजाइन बनाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लूज रखने के लिए आप सभी को कहा था। उसके बाद फिर ये लेके फिर इसमें डाल देंगे, उसके बाद फिर ये इसको लेके नेक्स्ट वेयर को लेके फिर इसको ऐसे करके ले लेंगे, फिर यहाँ बीच में डाल देना है, फिर यहाँ से निकाल देना है, फिर इसके बीच में डाल दीजिएगा, ऐसे करके फिर नेक्स्ट यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ से निकाल दीजिएगा। ये वेयर को इस तरफ नहीं रखना है, इस तरफ रख के बनाना है आपको। फिर यहाँ पे इसके बीच में डाल के निकाल लीजिए, ऐसे करके निकाल लीजिएगा। फिर इसको इसके बीच में डाल के फिर निकाल लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रही है अभी। आप इसको यहाँ पे वाइट डाल के भी बना सकते हो या फिर जो भी कलर डाल के बना सकते हो। मैं तो यहाँ पे पिंक डाल के मैं बना रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे वाइट डाल के भी बना सकते हो। वैसे सब बना के आप कंप्लीट कर लीजिएगा, वैसे बना के आप पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पूरी आप बना लीजिएगा, बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बना के दिखाती हूँ। गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे इतना बना लिया, वैसे मैंने आगे जैसे दिखाई थी वैसे बना के आप सभी को भी कंप्लीट कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे पहले मैंने बना के दिखाई थी वैसे यहाँ पे भी सब बनाया मैंने, वैसे आपको सब बना के आपको जितना हाइट चाहिए उतना आप बना लीजिएगा। यहाँ पे मैंने वाइट आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वाइट डाल के बनाया, वो भी यहाँ पे जैसे बनाया वैसे बनाया यहाँ पे।
इसमें थोड़ा गैप होना चाहिए ये डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा गैप रख लीजिएगा, ज़्यादा भी फिर मत रखना गैप, वरना फिर ये इसका गैप जो अच्छा नहीं दिखते, इसका गैप अच्छी नहीं दिखती है, इसीलिए गैप ज़्यादा भी मत रखिएगा, लिमिट से रख देना गैप। यहाँ पे देख सकते हो हमारा गैप। उसके बाद ऐसे आपको बना लेना है, बनाने के बाद फिर पिंक वेयर लेके आपको इसके अंदर डाल के बनाना है। कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, पहले जैसे मैंने दिखाई थे बना के वैसे ही है, वैसे मैंने यहाँ बना के पूरी कंप्लीट किया। यहाँ आप देख सकते हो ये जो मैं पिंक वेयर लेके बना रही हूँ, इसका मैंने कुछ भी मेजरमेंट नहीं किया। आप चाहे तो वेयर छोटा लेके भी बना सकते हो और लंबा लेके भी बना सकते हो, वो आपका मर्जी है। लेकिन ये वेयर को शॉर्ट लेके बनाते हैं तो हमें बहुत फिनिशिंग करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे लंबा लेके बना रही हूँ वेयर। इसके अंदर डाल दीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर से निकल के यहाँ पे डाल के वैसे बनाते जाना है आपको। उसके बाद जहाँ यहाँ पे मैंने जो वाइट बनाया, ये दो बनाने के बाद फिर ये वाइट कैसे बनाया वैसे मैं बना के दिखाती हूँ। इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसे यहाँ पे बनाया वैसे यहाँ पे भी मैंने बनाया, बस जो ये इसका ऊपर में जो वेयर जो मैंने यहाँ पर पिंक लगाई, यहाँ पर वाइट डाल के यहाँ पर मैंने बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया लास्ट। अभी इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ। उसके लिए आपको ये वेयर को ऐसे ले लेना है, फोल्ड कर लीजिएगा। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको लूज कर दीजिएगा। ऐसे लूज कर दीजिएगा। उसके बाद ये दोनों वेयर को लूज कर दीजिएगा, वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद इसको इसके अंदर डाल देना। ये वेयर जो ये पीछे तरफ रहना है, आगे तरफ नहीं। जो हमने यहाँ से रनिंग वेयर बनाया था, इसको ये इस तरफ होना है और ये पीछे तरफ होना है। उसके बाद फिर यहाँ पे डाल दीजिएगा इसके अंदर। इसके बाद फिर ये यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर डाल के इसे करके फिर ये वेयर को लेके इसके अंदर डाल दीजिएगा। ऐसे करके आप इसको ऐसे टाइट कर दीजिए, फिर इसको भी हम टाइट कर देते हैं। ये हमारा रनिंग वेयर है तो इसको ऐसे टाइट कर लीजिए। इसे टाइट कर दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद फिर ये मैंने रनिंग वेयर को कट नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले भी मैंने वैसे लेके ये रनिंग वेयर को कट नहीं करना है। इसको फिर यहाँ से ज्वाइन करने के बाद फिर यही रनिंग वेयर को लेके आपको फिर यहाँ से बना के स्टार्ट करना है। वैसे मैंने बना के यहाँ ये बैग पूरा बना के मैंने कंप्लीट किया। तो ये रनिंग वेयर को आपको यहाँ से निकाल देना है, यहाँ से इसे निकाल के फिर फोल्ड कर लीजिएगा, फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे करके
ऐसे करके बनाइएगा। ये आप देख सकते हो ऐसे बनाइएगा, लेके वैसे लेके बनाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रनिंग वेयर ले लिया। अब हम ये बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे वाइट डाल के हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रनिंग वेयर कट कर दिया, आप देख सकते हो। वैसे आप भी कट कर लीजिएगा तो फिनिशिंग करने में इजी रहता है। तो अब ये स्टार्ट अब हम करेंगे। तो आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कहीं से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कर लीजिएगा। उसके बाद ये वेयर को, रनिंग वेयर को लेके ये बीच में डाल दीजिएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए इसको पहले फिनिशिंग कर लेना है। इसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऐसे करके, यहाँ देख सकते हो। फिर बाद में हम यहाँ बनाते जाएंगे तो ये टाइट होके फिनिशिंग आ जाएंगे। तो ऐसे करके फिलहाल के लिए ऐसे रख दीजिएगा। उसके बाद ये वेयर को लेके ऐसे बना लीजिएगा। और जो हमने ये अभी डाला था इसको इसके साथ ऐसे करके बना लीजिएगा। वेयर लंबा है इसीलिए थोड़ा लेने में टाइम लग जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डिजाइन निकल गए। वैसे आपको बना के पूरी रो कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बन गए। वैसे पूरी रो कंप्लीट करके बना लीजिएगा गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैग बना के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं इतना ही बना के कंप्लीट कर दूँगी। यहाँ पे मेरा वेयर लंबी हो गई। तो अगर आपको ये साइज़ का बैग बनाना हो तो आप थोड़ा माइनस करके ये वेयर को कट कर लीजिएगा, तो ऐसे वेयर वेस्ट नहीं होंगे। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसे आ गए।
तो इसको लास्ट फिनिशिंग हम ऐसे क्रॉस आ जाएंगे, लास्ट फिनिशिंग करते हैं हम इसको ऐसे लेके। सिंपल नोट बनाना है, फिलहाल कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ऐसे सिंपल नोट बना लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी बना के पूरा कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिनिशिंग भी कर दिया, यहाँ पे सब में फिनिशिंग करके यहाँ पे मैंने हैंडल भी बना लिया। ये बस दिखाने के लिए मैं बस ये तोड़ा रखी थी को। ऐसे करके अच्छे से टाइट कर लेना, फिर इसको ऐसे प्रेस कर देना। ऐसे प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद इसको इसके अंदर हम फिनिशिंग कर देंगे। ये वेयर आप देख सकते हैं, इसको ऐसे कट कर लेना तो आपको फिनिशिंग करने में इजी रहता है। तो उसके बाद आप ये लाइन देख सकते हो, यहाँ पे डाल के आप शुरू कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया ऐसे करके। फिर ये नेक्स्ट वेयर लेके, दूसरी वेयर लेके, यहाँ देख सकते हो अब इसको ऐसे प्रेस करके इसको टाइट कर लीजिएगा। वैसे नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर डाल दीजिएगा। ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में आप देख सकते हो ऐसे डाल के निकाल लेना है। ऐसे डाल के निकाल लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डाल के ऐसे करके निकाल दीजिएगा। ऐसे बना लीजिएगा, फिनिशिंग कर लीजिएगा। और इसको भी दूसरी वाली भी लेके यहाँ पे ऐसे इसमें डाल के बना लीजिएगा। इसे अच्छे से टाइट कर लीजिए। ऐसे करके पूरी बना के आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर ये नेक्स्ट वाला को भी ऐसे टाइट करके लेके फिर इसके अंदर डाल के फिर ऐसे ही फिनिशिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे करके पूरी फिनिशिंग कर लीजिएगा। आपको जितना चाहिए उतना करके आप अंदर डाल के फिनिशिंग कर लीजिएगा। ये मैं ज़्यादा फिनिशिंग नहीं कर रही हूँ, इतना करके छोड़ रही हूँ। इतना सिर्फ करके मैंने सबको कट किया, क्योंकि इसमें बहुत टाइट रहता है, इसीलिए मैंने ज़्यादा अंदर डाल के फिनिशिंग नहीं किया।
ऐसे करके पूरा आप कट कर दीजिएगा, करके फिनिशिंग कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस तरफ साइड का सब बना के कंप्लीट कर दिया। तो इसको भी मैं पूरी यहाँ तक डाल के फिनिशिंग कर लूँगी, आप भी वैसे कर लीजिएगा। हैंडल बनाने के लिए मैं यहाँ पे मेजरमेंट ले रही हूँ 18, 19, 20, 21, 22 फीट ले लीजिएगा आप ये हैंडल बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे 22 फीट मेजरमेंट कर लिया हैंडल के लिए। आगे हमने जो मेजरमेंट लिया था वेयर, उसको आप ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके आपको 10 टाइम्स ऐसे राउंड कर लीजिएगा, ऐसे करके सेम करके ऐसे राउंड कर लीजिएगा हैंडल बनाने के लिए। यहाँ पे मैं हैंडल बना के दिखा रही हूँ, मैंने 10 टाइम्स राउंड कर लिया यहाँ पे। उसके बाद ये वेयर को आपको ऐसे ले लेना है, ऐसे लेके फिर आपको इसको ऐसे टाइट करके बनाना है, ताकि ये हमारा वेयर इधर उधर ना हो, मतलब बराबर हो जाए। यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो आपको ये पूरी राउंड कंप्लीट करके आपको यहाँ तक लास्ट बना के आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर आपको ये वेयर को ऐसे ले लेना है, उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इसको इसके बीच में, यहाँ आप देख सकते हो इसके बीच में निकाल के आपको ऐसे कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हो ऐसे, उसके बाद अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इसको इस टाइप का कर दीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे करके इसको या वापस ले लीजिए। इसके बाद फिर इसको ऐसे निकाल के, वेयर को निकाल के फिर से ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद इसके बीच में ये वेयर को लेके इसे निकाल दीजिएगा। ऐसे कर, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे करके फिर इसको टाइट करके फिर ऐसे पीछे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ले लीजिएगा। फिर ये वेयर को फिर ऐसे अंदर लेके फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद फिर ये वेयर को लेके बीच से, मिडिल से, ये दोनों का मिडिल से निकाल देना है ऐसे करके। फिर इसको ऐसे कर दीजिए ऐसे करके, फिर बनाने का तरीका सेम है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे इसको आप ऐसे टाइट कर लीजिएगा। अगर लूज बना देते तो ये हमारा हैंडल थोड़ा नरम रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे टाइट करके बना रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इसको थोड़ा ऐसे टाइट कर लीजिएगा, तब गैप नहीं रहेंगे। इसे अच्छे से करके टाइट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको इतना रख देना है, इसको नहीं बनाना है, इतना रख देना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे मैंने
नए बना के ऐसे रख दिया, यहाँ पे बनाएंगे इसीलिए हमने ये नए बनाए। अब मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेजरमेंट कर दिया। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे एक दो, यहाँ पे दो गैप छोड़ के मैंने यहाँ पे इसमें लेके मेजरमेंट किया। यहाँ पे भी ऐसे दो लेके यहाँ पे किया, जैसे यहाँ पे किया वैसे बराबर करके अभी हम यहाँ पे भी बनाएंगे हैंडल। यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे करने के बाद फिर ये वेयर को आपको एक बार ऐसे ले लेना है। उसके बाद अब हम यहाँ पे डाल के बनाएंगे। यहाँ पे मेजरमेंट के लिए ये ऐसे लगा के रखी थी, अब हम इसको निकाल देते हैं। उसके लिए ही वेयर को लेके आपको यहाँ पे ऐसे डाल देना है। इसके अंदर ऐसे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे करके निकाल देना है। अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद फिर आपको ऐसे करके फिर ये वेयर को इसको ऐसे करके ले लेना है। फिर उसके बाद ये वेयर को लेके आपको इसके अंदर डाल देना है। इसके बीच में आप देख सकते हैं, इसके बीच में डाल के आपको निकालना है। उसके बाद ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे फोल्ड करके आपको ये वेयर को लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ से डाल के मैंने यहाँ निकाल लिया। उसके बाद फिर इसको आपको ऐसे लेना है। उसके बाद यहाँ से निकाल देना आपको। उसके बाद ये गैप में डाल दीजिएगा, ये गैप में डाल दीजिएगा। फिर यहाँ से निकाल दीजिए। यहाँ पे मैंने हैंडल बना के कंप्लीट कर लिया गाइस।
देख सकते हो आप यहाँ पे, आप कितना सुंदर लग रहे हैं हमारा बैग। आप भी ऐसे बना लीजिएगा गाइस। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।